और अल्लाह तबारका वताल की अताओं से मज़बूत जहनी और फ़िक्री बुनियादें रखने वाला आदमी भी बाज़ात ज़िंदगी में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाता उसकी वजह ये होती है कि ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुश फहमियों में गुजार देते हैं इसी तरह बड़े लोगों के बेटे उनके मिजाज के अंदर भी खुश फहमियाँ इस कदर ज़्यादा पैदा हो जाती हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई कारनामा नहीं कर पाते ये जो ख़ुश फहमियाँ होती हैं ना इंसान की ये उसके लिए बहुत बड़ी रूहानी बीमारी बन जाती एक बहुत बड़ा रोग बन जाती खुद ब खुद कुछ लोग अपने लिए कुछ चीज़ों का तयन कर लेते हैं कुछ मामला तय कर लेते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ मेरे पास अलहमद मौजूद है और ख़ुश फहमी एक बहुत बड़ा हिजाब बनकर आंखों के सामने आ जाती है और जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं इस दौर में तो ढेरों लोग हैं जो खुश फहमियों का शिकार है और हमारे दीनी मज़हबी रूहानी माहौल के अंदर तो आप देखें इस कदर ज़्यादा खुशफ़हमियाँ मैं फ़लाँ पीर साहब का बेटा हूँ मेरी फ़लाँ जगह नस्बत है मैं फ़लाँ ताल्लुक़ रखता हूँ फ़लाँ के साथ भाई अच्छे गुमान रखना बुरा नहीं अल्लाह वालों की नस्बत बड़ी चीज़ है खुदा दे ये दौलत तो ये बड़ी चीज़ है लेकिन आप ये भी तो देखें जिनकी नसबत पर आप इतनी खुश फहमी का इज़हार कर रहे हैं उनका मिजाज क्या था वो कभी किसी खुश फहमी का शिकार नहीं हुए बल्कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जद्दोजहद करें आमाले साल जमा करें अल्लाह तबारकवा ताली के रिजाव वाले काम करें सुबह शाम अपना मुहासबा करें अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अल्लाह तबारक व वाली रहमत फ़रमाए और रब की रहमत मतवज हो और उनके लिए अल्लाह ताली जन्नत का फ़ैसला फरमाए लेकिन ढेर सारी खुश फहमियाँ क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने ये अहले यहूद का तरीक़ा बताया है कि वो बहुत खुश फहमियों का शिकार थे कहीं तो वो कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह के प्यारे हैं माजल्ला कहीं वो कहा करते थे कि ये जो आखरत का घर है ना कयामत का है ही फ़कत अहल यहूद के लिए तो कुन इनकानत लकम्दार आखिर तु इंद खाल सतम मंदू नासी फ़तना इनकन तुम सादी तो अल्लाह फरमाता है महबूब सलाम आप इनसे कहिए कि अगर आखरत का घर खालिस तुम्हारे लिए है दूसरों को छोड़ कर सिर्फ तुम ही जाओगे जन्नत में तो फिर मौत की तमन्ना तो करो मरने के बाद ही जाना है ना तुम्हें जन्नत में तो तमन्ना तो करो इनको तुम सादिन अगर तुम सच्चे हो लेकिन हरगिज़ कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आगे क्या भेजा हुआ है तमन्ना नहीं करेंगे लेकिन रोज़ दावा करना आप देख लें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इनका दावा है ओहो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नस्बत है बड़ी सना खानी की है बड़ा काम किया है फलां काम बड़ा किया है लेकिन मोहल्लात भी बनाते जा रहे हैं तामीरात भी होती जा रही हैं बंगले भी तैयार हो रहे हैं भाई अगर आखरत का घर आपके लिए बकौल आपके तो फिर आपका उठना बैठना आना जाना तो बताता है कि आप तो मरने को तैयार ही नहीं है आपका तो जहन ही नहीं है आपका तो कोई इरादा ही नहीं है आप तो दुनियादारी इस तरह जमा कर रहे हैं इस तरह हमेशा यही रहना है जाना ही नहीं खुश फहमियों से बाहर आया जाए और खुशफ़हमियों के ख्वाब से आंखें खोल ली जाएँ कुरान मजीद फ्रकाने हमीद ही फरमाता है अहल यहूद ही के लिए उन्होंने कहा पहले तो वो कहते थे हम जन्नत में जाएंगे फिर कहने लगे अगर कभी दोजख में गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे और उनमें से भी बाज लोग कहते थे वो चंद दिन जो हमने बछड़े की पूजा किया वो उतने एक दिनों के लिए दोजख में जाएंगे उसके बाद तो फिर जन्नत भाई हमारी है तो रव फरमाता है वालु लन तमस नारु अला अयाम महदूदा उन्होंने कहा हमें दोजक़ की आग नहीं छुएगी, बल्कि गिनती के चंद दिन बस गिनती के थोड़े से दिन दोजक में जाएंगे कुल अत तुम इन दल्ला ही अहद फ़ल आहदा अहदू आप उनसे फ़रमाइए क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद लिया है अगर तो तुमने कोई वादा लिया है अल्लाह से तो फिर तो अल्लाह ताला अपने वादे की मुखालफत नहीं करेगा अम तू ना अल्ला ही माला तमून या तुम अल्लाह के मुतलक कोई ऐसी बात कहते हो जो तुम जानते ही नहीं बिला वजह की खुश फहमियों में मुबतला हो खुश फहमियों में कभी मुबतला ना हो जिंदगी हकीकत पसंदाना गुजारें मन आनम के मन दानम चूमते रहें लोग आपके हाथ लगते रहे आपके नारे छपते रहें आपके इश्तिहार, होती रहे आपकी तारीफें ना आप कभी किसी खुश का शिकार ना हो मन नानम के मन दानम आप जो हैं उसका आपको पता होना चाहिए आपके सजदों में कमी ना आने पाए आपके इस्तफार में कमी ना आने पाए आप अपने रब को राजी करने में कभी किसी सुस्ती का इजहार ना करें अल्लाह के बंदों की शान ये है कि वल्जी नबी तु नबीम सुबम व्यायामा रात सजदे और कयाम में गुजारते हैं वल यकूलु नरब बना रब अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाब कान घरामा सारी रात सजदे और कयाम में गुजारने के बाद सुबह कहते हैं मालिक हमसे अपना अजाब दूर रखियो बेशक तेरा अजाब बड़ा सख्त है हमें सजा ना दीजियो और राती सारी कर कर जारी नींद अखा थी धोंदे गुनागार कहावन सब तो नीवे हों खशफहमी में मुबतला नहीं अमीर खलीफतुल मुसलमीन पै करे सिदक पै करे शर्म हया, दामाद मुस्तफा सल्ला हजरत सही उजना स्मान गनी रदी अल्लाह ताला कई बार मेरे नबी सलाम ने फरमाया उस्मान जन्नती है उस्मान जन्नती है उस्मान जन्नती है पर तो हजरत स्मान गनी जब किसी कबर पे खड़े होते तो इतना रोते इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर जाती ग़ुलाम करता हुजूर कई दफ़े जन्नत के बिशारत पाते पाने के बावजूद आपका ये हाल है तो फरमाते तुम्हारी बात दुरुस्त है मेरा यकीन भी कामिल है कि मुझे मेरे रसूल सलाम ने जन्नत की बिशारत दी है पर जिस महबूब ने वो बिशारत दी उन्हीं ने फरमाया था कि आखरत की मंजिलों में से कयामत की मंजिलों में से पहली मंजिल खबर है जो यहाँ से कामयाब हो गया वहाँ भी हो जाएगा जो यहाँ नाकाम हो गया वहाँ भी नाकाम हो लिहाजा डर आता है खौफ आता है कहीं अल्लाह तबारा का वाले नाराज ना हो जाए खौफ आता है ये है खुश फहमियों से निकल जाना हकीकत पसंद आना जिंदगी गुजार ये रोग है बहुत बड़ा बड़े सारे लोग हैं बड़ा कुछ बन गए मैं टीचर हूँ मैं बुजुर्ग हूँ मैं कारी साहब हूँ मैंमा साहब हूँ मैं पीर साहब हूँ मैं उस्ताद साहब हूँ मैं फलां साहब हूँ बन गए बस ठीक है बन गए ये खुशफहमी है इससे आगे भी तो देखे ना और फिर अगर तेरे पास कोई नेकी है तो तेरे पास क्या गारंटी है कि उसकी बारगाह में वो कबूल भी है कि नहीं जो रब के बंदे थे वो तो कबूलियत के लिए तरसते रहे सारी ज़िंदगी दुआएं मांगते रहे कि करीम तो कबूल फ़रमा ले तो खुश फहमियों के जंगल से बाहर आए हकीकत पसंदाना ज़िंदगी गुजारें अल्लाह ताला हम सब को हकीक़त पसंद बना दे वमा अलैना बला